जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण सर जय श्री जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण सभी को जय श्री जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री चलिए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स डिप्लोमा इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम आज से शुरू कर रहे हैं आज हमारी फर्स्ट क्लास है और जो लोग ज्योतिष वाकई में सीरियसली सीखना चाहते हैं तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आज हमारी फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास हम सभी के सभी को इनवाइट किया है जो बच्चे ऑफिशियली सेकंड है, uh, है क्लास, आ, वो ठीक है वो वैसे ही फर्स्ट है ऑनलाइन लेकिन हम क्योंकि श्राद्ध में हमने ये कोर्स को लॉन्च किया है तो फर्स्ट क्लास हम रिकॉर्डेड रिकॉर्ड कर चुके हैं वो आपको मिल जाएगा ठीक है ऑनलाइन आज हमारी फर्स्ट क्लास है लाइव तो आप में से जो लोग अभी भी सीखना चाहते हैं तो ऑल आर वेलकम लेकिन वही लोग जो वाकई में ज्योतिष को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो मैं एक बार सिर्फ बैनर शेयर कर देता हूँ ताकि कुछ लोग हो सकता है नए जुड़े हों उनको पता लग जाए और उसके बाद आज हमारी पहली क्लास है जो हम शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा जो कोर्स है ये दो महीने से ढाई महीने का रहेगा एक टेंटेटिव हमने टाइम डाल दिया दो महीना इसका इसके आगे ही जाएगा कम तो नहीं होने वाला ये दो महीने का कंप्रेहेंसिव डिप्लोमा कोर्स है हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का इसके लिए कंटेंट हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं आप सभी को लेकिन आप में से कुछ लोग फिर भी अगर चाहते हैं उनको वो डिप्लोमा का कोर्स का कंटेंट नहीं मिला तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर कर वो मंगवा सकते हैं आप हमने हर ग्रुप के अंदर कोर्स कंटेंट क्या रहेगा वो भी हमने भेज दिया आपको पी फॉर्म में तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं हमारी ये मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी और इसके अंदर बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं ये दो महीने का को कोर्स मत समझना इसको आप इसको कम से कम छह से आठ महीने का कोर्स समझना हमने छः से आठ महीने के कोर्स को दो महीने में कंप्रेस्ड किया है वो तो हमारी मेहनत है हमारा चैलेंज था कि कैसे हम डिप्लोमा दो महीने में ख़त्म कर सकते हैं और एक अच्छी नॉलेज के साथ इस कोर्स की फीस तीस हज़ार प्लस जीएसटी थी लेकिन इस बैच के लिए हमने जीएसटी वेव, वेव कर दिया है तो पैंतीस हजार चार सौ की वजह की जगह हम आपको तीस हज़ार रुपये में कोर्स करा रहे हैं तो अभी भी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं और इस बैच के अंदर जैसे हमने बताया था कि बहुत लिमिटेड हम स्टूडेंट को लेने वाले हैं कुछ स्टूडेंट को हमने रिजेक्ट किया है और कुछ ही स्टूडेंट को हमने अलाउ किया है कुछ स्टूडेंट को हमें लगा कि ये सीरियस नहीं है या अभी इनका माइंड सेट ज्योतिष सीखने के लिए नहीं है अभी तो उनको हमने मना कर दिया कि आप अगले अगले बैच में आ जाना ठीक है तो अभी भी कुछ वैकेंसी कुछ सीट हमारे पास खाली है आप ज्वाइन कर सकते हैं चलो तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और फिर इस ज्योतिष में हमने थोड़ा सा पेमेंट प्लान को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया है तो आप थोड़े से फ्लेक्सिबल प्लान के साथ भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं तो मनी इज नॉट ए मैटर यहाँ पर अगर आप सीखने के इच्छुक हैं और यस yes, डेफिनेटली अगर आप हमें लगेगा कि यस आप ज्योतिष को बड़ा सीजली ले रहे हैं तो कोई अड़चन नहीं आने वाली हमारे साथ सीखने की ठीक है चलिए तो हम अपनी आज पहली क्लास शुरू कर रहे हैं सक्षम ओवर टू यू और कोई भी इसके इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे मॉर्निंग में आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं ठीक सबसे पहले कुछ लोगों के कॉल आ, मेरे पास आए थे और कुछ लोगों के कॉल सर के पास भी गए हैं एंड uh, जैसा अभी सर बता रहे थे कि हमने बहुत सारे लोगों को मना करा है तो देखिए सबसे पहले उन सभी लोगों को जिनको आज हमने मना करा है मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि आप सीखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हम तो चाहते ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें परंतु जिनको मना करा गया है उन्हें सिर्फ इसी रीजन से मना करा गया है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अभी आप उतने सीरियस नहीं है जितना होना चाहिए था हम गलत भी हो सकते हैं बिल्कुल हमसे गलती हो सकती है हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस हो और हमें ऐसा लग रहा हो कि वो सीरियस नहीं है और हमने उसको मना कर दिया तो ये ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है बट इसमें आप कुछ करा नहीं जा सकता है ना तो आप देखिए क्योंकि ज्योतिष एक शास्त्र है ज्योतिष के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको सेटिस्फाई करने होते हैं और वो पैरामीटर्स अगर आप नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं अभी तो आपको कुछ लोगों को आज मैंने मना किया है कुछ लोगों को सर ने मना किया है तो उसे आप प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा है ना आप आफ्टर टू थ्री ईयर्स वापस से हम ये डिप्लोमा लॉन्च करेंगे इमिडिएटली तो नहीं होगा दो तीन साल के बाद वापस से करेंगे तब तक आपके अंदर और ज्यादा मेच्योरिटी चीजों की और ज्यादा समझ और ज्योतिष को पढ़ने के लिए जो मेच्योरिटी रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी और उस समय अगर आप फिर वापस आप ज्वाइन करेंगे सो दैट विल बी बेटर तो सिर्फ कुछ दो तीन पैरामीटर्स को देखकर आज हमने लोगों को मना करा है और जिनको भी मना करा है प्लीज आप माइंड मत करिएगा हमने आपको मना इसलिए किया है क्योंकि हमारी नजर में अभी आपके लिए ये सही नहीं है ओके okay, तो नाउ uh, जितने लोगों ने ज्वाइन करा है आप लोगों ने एक बहुत ही शुभ अवसर पर इस प्रोग्राम में एनरोल करा है क्यों बिकॉज ऑलरेडी एक जो हमारी इनिशिएशन है इस कोर्स का एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है जो हमने अनंत चतुर्दशी वाले दिन रिकॉर्ड करके रख दी थी विच वॉज विच इज दर्स्ट क्लास ताकि ऑफिशियली ये कोर्स श्राद्धों में स्टार्ट ना हो तो आज एक तरीके से हमारी सेकेंड क्लास है लेकिन ये सेकेंड क्लास जो है ये भी पुष्य नक्षत्र वाले दिन हमने इसको प्लान करा है आज जो है वो पुष्य नक्षत्र का दिन है और इस दिन कोई भी शास्त्र का आरंभ करना सिखाने वाले के लिए और सीखने वाले के लिए दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होता है इससे ज्यादा ऑस्पिशियस और कोई दिवस नहीं है इस डिप्लोमा को स्टार्ट करने के लिए तो आप यहां पे देख सकते हैं ये आज का जो पंचांग है सो so, आप दो तीन चीजें यहां पे देखिए तिथि में एकादशी तिथि लग चुकी है दशमी तिथि दिन तक थी एकादशी तिथि लग चुकी है अभी करेंटली एकादशी तिथि चल रही है और पुष्य नक्षत्र जो है वो आज रात एक बज के बीस मिनट तक है सो एकादशी तिथि और उसके साथ साथ पुष्य नक्षत्र का ये जो संयोग है ये हमने चूज करा है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है इस विद्या को सीखने के लिए तो बहुत ही केयरफुली हमने ऑनलाइन कमेंसमेंट डेट आज से इस प्रोग्राम की चालू करी है एंड अगर किसी और को एनरोल करना है तो आप कोशिश करिएगा कि ये पुष्य नक्षत्र समाप्त होने से पहले इस क्लास के बाद आप सर को कॉल करके एनरोल कर सकते हैं अगर आपको आ, सर को या मुझे किसी को भी आप कांटेक्ट कर लीजिए अगर हमें लगता है कि आप आ, आ, सीख सकते हैं तो डेफिनेटली आज के आज ही आपको रात में एक बज के बीस मिनट से पहले ही ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ताकि इस योग का आपको एडवांटेज मिले अब इस ये जो योग है एकादशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का ये योग डिसाइड करेगा कि ये क्लासेस किस पेस में जाएंगी किस स्पीड में जाएंगी किसको कितना समझ में आएगा और हमें एक टॉपिक पे कितना क्या डिस्क्लोज करना है ये ना हम डिसाइड करेंगे ना ये आप डिसाइड करेंगे ये ये मुहूर्त डिसाइड करेगा एक टॉपिक पे करोड़ों चीजें हैं डिस्क्लोज करने के लिए कितना क्या डिस्क्लोज होगा वो इंस्पिरेशन की क्या क्या बताना है कैसे कैसे बताना है वो सारी चीजें इस मुहूर्त के ऊपर है ये मुहूर्त ये शुभ मुहूर्त आप तक वो सारी चीजें पहुंचाएगा जो आपके लिए शुभ है ये मुहूर्त डिसाइड करेगा कि कोर्स का पेस कैसा होगा तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको जो भी नॉलेज मिल रही है वो नॉलेज आपके लिए शुभ होगी हर बार हर कोर्स में कोशिश तो यही रहती है कि एक अच्छा मुहूर्त मिले लेकिन हर बार ये संभव नहीं होता लेकिन इस बार संभव है तो अगर संभव है तो उसका पूर्णतः लाभ हमें उठाना चाहिए अगर कमेंसमेंट हमारा ऑस्पिशियस है और हमें वो मौका मिला बहुत बार मुहूर्त शास्त्र जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि आप मुहूर्त प्लान कर लें लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका सारा काम मुहूर्त में ही हो मुहूर्त की प्लानिंग एक चीज है और उस मुहूर्त में एग्जैक्टली exactly उस समय पे एक्ट करना एक दूसरी चीज है प्लानिंग तो हर मुहूर्त में रहती है और मैक्सिमम बहुत सारे कोर्सेज हमारे अच्छे मुहूर्त में ज्योतिष के जितने भी कोर्सेज हैं मैं कोशिश ये करता हूं कि अच्छे मुहूर्त में स्टार्ट हूं परंतु आज सवा नौ बजे का जो टाइम हम चेंज नहीं कर सकते कभी साढ़े नौ कभी सवा नौ हमारे कोर्सेज इसी समय चालू होते हैं इस सवा नौ से नौ बीस के बीच में कितना शुभ योग बन रहा है जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी आप लोग उस लेवल का मुहूर्त नहीं जानते हैं तो जो आप समझते हैं एकादशी तिथि और पुष्य नक्षत्र उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि योग कितना शुभ है लेकिन इसके अलावा अगर डिटेल में जाएंगे आज के मुहूर्त में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली ये सवा नौ और साढ़े नौ बजे के बीच में एक बहुत ही ऑस्पिशियस लेवल पे घटित हो रही है। और उन सब चीजों का एडवांटेज हमें प्राप्त होगा क्योंकि हमने एक तरह से कमेंसमेंट इस शुभ योग के अंदर करा है सो आपको एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी है यहां पे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस कोर्स के अंदर वो आपके लिए शुभ होगी आपके लिए ऑस्पिशियस होगी क्योंकि इस मुहूर्त का प्रभाव है अब हम क्या क्या करने वाले हैं किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली यहां पे बताना चाहता हूं एक बार हम सिलेबस गो थ्रू कर लेंगे और सिलेबस में कौन से टॉपिक हम कब करेंगे वो भी हम एक बार देखेंगे ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि कौन सा टॉपिक हम कब लेने वाले हैं इस टोटल सिलेबस के अंदर हमने अभी जितने भी टॉपिक मेंशन करे हैं उसमें से गोचर के टॉपिक को छोड़कर बाकी किसी भी टॉपिक का इंडिविजुअल कोर्स हम लॉन्च नहीं करेंगे इन फ्यूचर तो उसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा सर आप हैं क्या अभी हेलो हाँ सक्षम बिल्कुल नहीं आ, सर वो एक बार आप शेयर कर देंगे क्या सिलेबस ओके ठीक है एक मिनट तब तक कंटिन्यू करो मैं निकाल रहा हूँ सक्षम ओके okay, ठीक so, है सो जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका सेपरेटली कोर्स हम लॉन्च नहीं करेंगे वो इसी डिप्लोमा के अंदर सिखाया जाएगा जैसे कि विमशोत्री दशा का टॉपिक है सो so, दशा के ऊपर सेपरेटली कोर्स हम लॉन्च नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बिकॉज आपको जिस क्रम में चीजें सिखाई जाएंगी इस डिप्लोमा के अंदर तो जब हम दशा का टॉपिक करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे दशा को समझने के लिए दशा को अप्लाई करने के लिए आपका कोई इफ एंड बट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा अगर हम सेपरेटली विमशोत्री दशा का टॉपिक लॉन्च करेंगे तो उसमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसको यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले की चीजें नहीं पढ़ी और आपने पहले की चीजें पढ़ी हुई हैं इसलिए आपके लिए दशा के टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा तो दशा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे इफ एंड बट वाले क्वेश्चन लोगों के आते हैं और अगर उन इफ एंड बट वाले क्वेश्चंस को हम आंसर करने में लग जाएंगे तो साल भर में भी ये कोर्स खत्म नहीं होगा क्योंकि हर किसी का लेवल अलग है बट आपको जिस क्रम से इस डिप्लोमा में चीजें समझाई जाएंगी तो जब हम दशा पर पहुंचेंगे तब आपके ऑलरेडी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि दशा की एप्लीकेशन कब है दशा हमें कब लगानी है कैसे लगानी है तो आपके पास एक तरीके से एलिजिबिलिटी है दशा को पढ़ के दशा के थ्रू प्रिडिक्ट करने की ऐसे ही चक्र पद्धति के ऊपर भी है भृगु चक्र पद्धति पढ़ने के लिए भी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है जो हम जब क्रम बाय क्रम बाय क्रम नक्षत्र विद्या और ये सारी चीजें करेंगे तो जब चक्र पद्धति पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्लरिफाई हो चुके होंगे तो उस पर्टिकुलर टूल को कैसे अप्लाई करना है कब अप्लाई करना है उसके लिए आप एलिजिबल हो गए लेकिन अगर यही भृगु चक्र पद्धति हम अलग से लॉन्च कर देंगे तो वहां पर इतने ज्यादा सवाल आ जाएंगे लोगों के जिनका बेसिक क्लियर नहीं है जिन्होंने योगास नहीं पढ़े या कि हम उसी में उलझ के रह जाएंगे सिर्फ इसीलिए अलग से कोई भी टॉपिक हम इस कोर्स के डिप्लोमा के अलावा लॉन्च नहीं करेंगे गोचर को छोड़ के गोचर का एक अलग से हम कोर्स कभी इन फ्यूचर बनाकर उसको हम स्टडी करेंगे हु? नाउ अब यहाँ पे देखिए पे ये हमारे डिप्लोमा का पूरा सिलेबस है और मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारा क्रम यहाँ पे कैसा रहेगा किस क्रम में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो सबसे पहले देखिए आज से जो टॉपिक हमारा चालू हो रहा है बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम लाइव अभी पढ़ेंगे और इसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी साथ में ये वाली वीडियोस तो आपको मिलेंगी जो मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन जो मैंने पहले पढ़ाया है बेसिक्स ऑफ वेदिक एस्ट्रोलॉजी पुराने बैचेस को वो वीडियोस भी आपको एज इट इज ओके इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं ये बेसिक्स यहां पे पढ़ाऊंगा तो वो वीडियोस अभी का लाइव सेशन आगे के लाइव वीडियो सब आपको दिए जाएंगे और पुराने वीडियोज पुराने बैच को जो पढ़ाया वो भी आपको यहाँ पे हम अवेलेबल करवाएंगे स्पेशली नवरात्रि के समय पे नवरात्रि में क्योंकि आ, हमारी क्लासेस आ, का गैप होगा मुझे एक अनुष्ठान में जाना है तो उस समय आपका फ्लो ना टूटे तो आप पुराने बैच के वीडियो स्पेशली बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के देख सकते हैं उसके बाद आप सेकेंड नंबर पर देखेंगे बेसिक्स ऑफ भृगु नंदी नाड़ी जो हम डिप्लोमा के एंड में करेंगे इसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के जस्ट बाद में नहीं करेंगे अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि भ्रिगुनंदी नाड़ी के रूल्स थोड़े से डिफरेंट है सो बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रूल्स थोड़े से अलग है भ्रिगुनंदी नाड़ी के जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं तो अगर ये दोनों ही हम साथ में पढ़ लेंगे तो बिल्कुल एक कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए भृगुनंदी नाड़ी जो है वो हम डिप्लोमा के एंड में पढ़ेंगे ओके okay? सो so अभी बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बाद जो सेकेंड टॉपिक हमारा है दैट इज एडवांस्ड प्लेनेटरी योग तो आपको कुछ ऐसे एडवांस्ड योगास बताए जाएंगे और उनकी चार्ट पे एप्लीकेशन किस प्रकार से करनी है आपको ये भी यहाँ पे समझाया जाएगा जैसे कि पंच महापुरुष योग जो जस्ट हम बेसिक्स कवर करने के बाद आ, करेंगे देन जो सबसे कोर टॉपिक है यहां पे विच इज बेसिक एंड एडवांस नक्षत्र विद्या ये दोनों टॉपिक हम एक साथ पढ़ेंगे बेसिक नक्षत्र विद्या में नक्षत्र क्या है नक्षत्रों से प्रिडिक्शन कैसे करा जाता है नक्षत्र किस प्रकार से एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं किस प्रकार नक्षत्रों को देखना है वो सारी चीजें हम देखेंगे उसके बाद एडवांस नक्षत्र विद्या में हम पिन पॉइंट प्रिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र से करना सीखेंगे और साथ साथ नक्षत्रों के द्वारा रेमेडीज किस प्रकार से दी जाती है ये भी हम करेंगे और इसका जो नक्षत्र एडवांस नक्षत्र विद्या है इसको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को चालू करने के लिए भी एक बहुत स्पेसिफिक मुहूर्त देखा जाएगा जो कि दीपावली के आसपास होगा तो हो सकता है कि स्टार्टिंग इस मॉड्यूल की स्टार्टिंग हम एक स्पेसिफिक टाइम पे करें दैट कैन बी सिक्स फिफ्टीन पीएम और 7:15 पीएम अगेन आपकी क्लासेस सवा नौ बजे ही रहेंगे आपकी क्लासेस चेंज नहीं होंगी बट नक्षत्र विद्या एडवांस नक्षत्र विद्या की जो फर्स्ट क्लास होगी वो एक पर्टिकुलर मुहूर्त में होगी और वो मुहूर्त हो सकता है शाम को पांच बजे छह बजे बजे या रात में बारह बजे कभी भी हो और वो आपको अटेंड करना होगा उसके बाद से फिर वापस नौ बजे आपकी क्लासेस हो जाएंगी देन उसके बाद गोचर जो है हम बाद में पढ़ेंगे इस नक्षत्र विद्या के बाद हम चक्र पद्धति का अध्ययन करेंगे जो सेवेंथ नंबर पे आप देख रहे हैं भ्रगु चक्र पद्धति बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्टिव टॉपिक है चक्र पद्धति के बाद हम नवामशा पढ़ेंगे नवामशा मैरिज एंड डेस्टिनी और इसके बाद सर थोड़ा स्क्रॉल बैक करिएगा हाँ नवामशा के बाद फिर हम गोचर पढ़ेंगे नवामशा के बाद गोचर का अध्ययन करेंगे और फिर इसके बाद हम दशा पर आ जाएंगे नंबर वाला मॉड्यूल बेसिक्स ऑफ विमशोत्तरी दशा ये हम पढ़ेंगे और लास्ट में रेमेडीज विथ रुद्राक्ष ये हम टॉपिक करेंगे और बीच बीच में या कोर्स के एंड में दो तीन टॉपिक uh, जो इलेवेंथ मोड आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं करियर काउंसलिंग एंड एडवाइस फॉर न्यू एस्ट्रोलॉजर्स तो बीच बीच में सर इसके सेशन एक एक दो दो आपके लेते रहेंगे या कोर्स के एंड में इसके तीन सेशंस होंगे जहाँ पे आपको करियर काउंसलिंग एडवाइज एंड न्यू किस तरीके से आपको अपना करियर इस फील्ड में बिल्ड करना है उसके बारे में आपको एडवाइस करा जाएगा और इसके साथ साथ एक बोनस है विच इज अभी हमारा एक आ, कोर्स लॉन्च होने वाला है मैरिज मुहूर्त सो मैरिज मुहूर्त का जो कोर्स है वो सवा आठ बजे हम लॉन्च करेंगे वो कोर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप सभी मैरिज मुहूर्त के कोर्स को तीन दिन का कोर्स होगा वो जिसमें हम एक अच्छे विवाह का मुहूर्त किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो आपको बताया जाएगा वो कोर्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सभी अटेंड कर सकते हैं ओके okay. तो ये बेसिकली हमारा एक ओवरव्यू है कि, कि किस प्रकार से ये कोर्स जो है वो आगे फॉरवर्ड होगा किसी का कोई डाउट इसमें अभी तक कोई कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं अभी कोर्स से रिलेटेड कोर कंटेंट से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यस यू कैन आस्क संतोष जी जय श्री कृष्णा सर जय श्री कृष्ण सर गायत्री बोल रही हूँ जूम में अटेंड किया था भाई ने इसलिए नाम डाल दिया तो मैं ये पूछ रही हूँ जैसे अभी हम लोगों का ना भ्रघु नंदी नाड़ी का अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया हम लोगों का तो हम लोगों ने आ, हमारे बैच ने मतलब इसको पढ़ा था इसमें भी कुछ कुछ भ्रघु से रिलेटेड थे जैसे कुछ चक्र था और कुछ बेसिक था तो उसी से रिलेटेड रहेगा कि ये अलग है नहीं आ, बेसिक्स ऑफ भ्रगुनंदी नाड़ी जो है वो तो बेसिक्स वही पढ़ाया जाएगा यहाँ पे भी जो आपको बेसिक्स पढ़ाया गया था लेकिन चक्र पद्धति जो है वो एक अलग टूल है वो भ्रगुनंदी नाड़ी हा, से हा, वो, हुँ, 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 वो एक डिफरेंट टूल है बिल्कुल ही अलग टूल है तो okay. वो वैदिक में ही पढ़ाया जाता है भ्रगु चक्र पद्धति ओके इसीलिए मैंने पूछा सर क्योंकि वहां पे हम लोगों ने भ्रगु चक्र के नाम से तो नहीं सुना था इसलिए बोला ठीक है सर और कोई क्वेश्चन किसी का कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आप कोई डाउट नहीं है सबके क्लियर है आशा जी नमस्कार सर नमस्कार Uh, तो ये कोर्स करने के बाद में जैसे डिप्लोमा कोर्स है तो हमारे नाम के आगे हम आचार्य लगाएंगे कि या सिर्फ ज्योतिष और ये एस्ट्रोलॉजर ऐसे लगाएंगे आपको तो सिंपल कोर्स तो है नहीं डिप्लोमा है और डिप्लोमा इट्स मतलब वर्क है उसका अगर आपका मन ये मानता है कि हाँ दो महीने का ये डिप्लोमा करने के बाद हम आचार्य शब्द का प्रयोग लगा सकते हैं जो कि सर भी नहीं लगाते हैं अपने नाम के आगे लेकिन अगर आपका मन करता है तो, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या उस कैटेगरी के आसपास हम लोग होते हैं या नहीं होते मैं भी इस सवाल का जवाब आपके ऊपर ही छोड़ लू आपका मन अगर कहे तो लगा लीजिए नहीं अगर कोई सरकारी सब्सिडी मिलती हो कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होता तो, हो सब्सिडी तो सब्सिडी तो सरकार किसानों से की भी तो लगा लेना है ना नहीं जैसे ही लोग लगाते रहते हैं मैं देखती हूँ YouTube में आचार ये आचार है वो आचार है वो लेकिन मैं मेरे को तो भी तक कोई ऐसा बहुत उनमें मैं क्या बोलू कोई बात नहीं आचार्य ऐसे नहीं लगता उसके लिए बड़ी सारी

को जस्टिफाई भी कर पाओ बस 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 जितनी नॉलेज आ जाएगी अपने आप आचार्य लग जाएगा हाँ। लोग जब बोलना शुरू कर देंगे आचार्य आशा सिंह है ना हम हाँ। अपने आप को मैं बोलता हूँ मैं प्रधानमंत्री मैं प्रधानमंत्री अरे लोग बनाएंगे प्रधानमंत्री तभी तो प्रधानमंत्री है ना बिल्कुल तो तारीफ तो वही होती है कि सामने वाला करे हाँ। अपने मुंह में बस बस समझ में आ गया कहा गया थैंक यू ओके चलिए अब हम हमारा टॉपिक चालू करते हैं एंड जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर चार्ट्स का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं और चार्ट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है तो आप सभी को ये चीज पता है कि हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड में बारह राशियां हैं और नौ ग्रह हैं अब ये जो बारह राशियां ये कैसे बनी थ्री सिक्सटी डिग्रीज जो पूरे ब्रह्मांड का एक सकमेंस है उसको थर्टी थर्टी डिग्रीज के पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हैं थ्री सिक्सटी को तो बारह आता है तो एक राशि जो है वो थर्टी डिग्रीज़ की बनती है अब ये राशि क्या है राशि किसे कहते हैं राशि जस्ट कोई नंबर या नाम नहीं राशि का मतलब होता है वेट वेट वजन राशि का मतलब क्या होता है वजन अभी किन चीजों का वे, किस चीज का वजन है ये किस चीज का वेट ये उन कर्मों का वेट है जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है तो आपके ऊपर आपके ऊपर एक वजन है आप एक वजन के कारण पैदा हुए अगर आप भूलोक में यानी कि इस धरती पर अगर आप पैदा हुए हैं तो वो इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके कुछ कर्मास जो है वो पेंडिंग हैं, कुछ कर्म आपको देखने हैं कुछ एक्सपीरियंसेस आपको भुगतने हैं और वो जो वेट है उन कर्मास का उन एक्सपीरियंसेस का जो आप एक्सपीरियंस करने आए हो वो राशि के द्वारा दिखाया जाता है सो so, हर राशि अपने आप में एक कर्मों का वेट है अब अगर आप एक हॉरोस्कोप को देखेंगे ध्यान से तो हॉरोस्कोप में जो पहला भाव होता है ये पहला जहां पे आप ए एस लिखा हुआ देख रहे हैं इसे कहा जाता है सेंडेंट लग्न ये जो लग्न है ये आपका रीजन ऑफ बर्थ है लग्न यानी कि वो राशि जिससे रिलेटेड वेट कर्मों का सबसे ज्यादा आपके ऊपर है और ये लग्न किस प्रकार से मिलता है एक व्यक्ति को तो जब आप पैदा होते हैं उस समय ईस्ट डायरेक्शन में जो भी राशि राइज हो रही होती है वो आपका लग्न बन जाती है तो अगर आप सितंबर ट्वेंटी 2024 टू ट्वेंटी फोर मिनट दिन में साउथ ग्राफ्टोन में पैदा हुए हैं तो इस समय वृश्चिक राशि जो है वो ईस्ट में राइज हो रही है और ये आपका लग्न बन जाती है मतलब कि वृश्चिक राशि से रिलेटेड कर्मों का वेट सबसे ज्यादा आपके ऊपर है आपके जन्म का जो कारण है वो इस राशि के कर्म है तो ऐसे बारह राशियां हैं और हर राशि लाइफ के किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड कर्मों को दिखाएगी जैसे अगर आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है तो आप देखेंगे ये सेकेंड हाउस काउंटर क्लॉकवाइज काउंट करते हैं ये फर्स्ट हाउस है ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स सेवेंथ एर्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ है ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना हाउसेस फिक्स्ड होते हैं राशियां ये जो नंबर है ये चेंज होता जाता है जो नंबर लिखा हुआ है ये बता रहा है कि कौन सी राशि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आपके सेकंड हाउस में कौन सी राशि आपके थर्ड हाउस में तो यहां पे वृश्चिक राशि आठवें नंबर की राशि फर्स्ट हाउस में तो इसको एक बार हम व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं So, राशियां जो हैं वो एक से लेके बारह तक मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं पहली राशि होती है मेष राशि जो एक नंबर से दिखाई जाती है जहां पर भी एक नंबर लिखा होगा दैट मीन्स कि वो एरीज है इंग्लिश में बोला जाता है एरीज मेष राशि दूसरे नंबर की राशि होती है वृषभ राशि इंग्लिश में कहते हैं टॉरस तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन राशि इंग्लिश में से कहते हैं जेमेनाई चौथे नंबर की राशि होती है कर्क राशि इंग्लिश में से कैंसर बोलते हैं पांचवें नंबर की राशि होती है सिंह राशि इंग्लिश में से कहा जाता है लियो छठे नंबर की राशि होती है कन्या राशि इंग्लिश में से कहा जाता है वर्गो सातवें नंबर की राशि होती है तुला राशि इंग्लिश में से कहा जाता है लिब्रा आठवें नंबर की राशि होती है वृश्चिक इंग्लिश में से कहा जाता है स्कॉर्पियो नंबर की राशि होती है धनु इंग्लिश में से कहते हैं सैजिटेरियस दसवें नंबर की राशि होती है मकर इंग्लिश में से कहते हैं कैप्रिकॉन ग्यारहवें नंबर की राशि होती है कुंभ इंग्लिश में से कहते हैं एक्वेरियस और बारहवें नंबर की राशि होती है मीना इंग्लिश में से कहते हैं पाइसिस तो जहां पर भी मान लीजिए अगर किसी भाव में सात नंबर लिखा हुआ है तो वो कौन सी राशि को दिखाएगा तुला राशि अगर किसी भाव में दो नंबर लिखा हुआ है तो वो कौन सी राशि को दिखाएगा ऋषभ राशि को अगर किसी भाव में नौ नंबर लिखा हुआ है तो वो कौन सी राशि को दिखाएगा राशि को तो ये राशि और इनके नंबर फिक्स्ड है अब ऐसे ही यहाँ पे जब आप हॉरोस्कोप देखते हैं तो हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे ये यह बहुत सारे हैं। यहाँ पे आठ लिखा है यहाँ पे पांच लिखा है यहाँ दो लिखा है यहाँ ग्यारह यहाँ बारह यहाँ एक या तीन या चार ये तो ये सब क्या है राशिया है चार मतलब कर्क राशि पांच मतलब सिंह राशि आठ मतलब वृश्चिक राशि तो भाव जो है वो फिक्स्ड है उनमें राशियां कोई भी हो सकती है जैसे यहां जहां पे ए एस लिखा हुआ है ये फर्स्ट हाउस है इसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज जहां पे नौ नंबर लिखा है ये ये सेकंड हाउस है ये थर्ड हाउस है ये फोर्थ हाउस है ये फिफ्थ हाउस है ये सिक्स्थ हाउस है ये सेवेंथ हाउस है ये एर्थ हाउस है ये नाइन्थ हाउस है ये टेंथ हाउस है ये इलेवेंथ हाउस है और ये ट्वेल्थ हाउस है अब देखिए यहां पे टेंथ हाउस में पांच नंबर की राशि है 10th house में सिंह राशि है इलेवेंथ हाउस में कन्या राशि है इलेवेंथ हाउस में छ नंबर की राशि है तो हाउसेस फिक्स्ड हैं और उनमें जो नंबर लिखा हुआ है वो दिखाता है कि उस हाउस में कौन सी राशि है अब अगर किसी का वृश्चिक लग्न है तो उनके जन्म का कारण जो है वो वृश्चिक राशि से रिलेटेड कर्मास है और अगर आपके जन्म का कारण वृश्चिक राशि से रिलेटेड कर्माज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टेंथ हाउस में सिम राशि आ जाएगी क्योंकि यहां से हमें ये एट है अब यहां से आप काउंट करना चालू करिए ये एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव टेंथ हाउस में क्या आएगा पांच नंबर की राशि तो टेंथ हाउस आपके कर्म का भाव है आपके प्रोफेशन का भाव है तो टेंथ हाउस में अगर पांच नंबर की राशि है तो यह हमें यह बता रहा है कि उस व्यक्ति के प्रोफेशन में सिंह राशि के कर्माज हैं वो व्यक्ति अपने प्रोफेशन लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस उस व्यक्ति को होंगे वो सिम राशि के कर्मास के द्वारा गवर्न होंगे तो हर भाव आपकी जिंदगी का एक पार्ट बताता है लग्न फर्स्ट हाउस जो है ये आपके जन्म का रीजन है सेकेंड हाउस आपकी फैमिली है ये सेकेंड हाउस है सेकेंड हाउस में कौन सी राशि है नौ नंबर की राशि यानी कि आपकी फैमिली आपका आपकी फैमिली के साथ आपकी वेल्थ के साथ सेकेंड हाउस धन का भाव भी होता है वेल्थ का तो फैमिली से रिलेटेड एक्सपीरियंसिस वेल्थ से रिलेटेड एक्सपीरियंसिस धनु राशि के कर्मास के द्वारा गवर्न है ये मीनिंग इतना आपको समझ में आया किसी को अभी कोई डाउट इसमें जो अभी मैंने बताया बहुत ही बेसिक इसमें किसी को कोई डाउट जब हम ओके किसी को डाउट है राकेश जी हेलो जी बताइए क्या डाउट है सर आपने बताया कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस बताती है कि ये हमारे जन्म का कारण क्या है ठीक है

हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ आप अपना मुझे डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताइए डेट ऑफ ऑफ बर्थ अक्टूबर अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर में मैं आपका डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ फोर्थ ऑफ अक्टूबर नाइनटी यस ठीक है टाइम सात बज के पचास मिनट सुबह काम को सात बज के पचास मिनट ठीक है शहर कौन से शहर में आपका जन्म हुआ जमशेदपुर टाटा अब देखिए ये डेटा मैंने इसमें फीड करा अब देखिए यहां पे ये पूरा चेंज हो गया यहां पे क्या आ रहा है दो नंबर यानी कि जब आपका जन्म हुआ फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन नाइन्टी सात बज के पचास मिनट शाम को जमशेदपुर शहर के अंदर जब आपका जन्म हुआ उस समय ईस्ट डायरेक्शन में दो नंबर की राशि उदय हो रही थी अब दो नंबर की राशि कौन सी है ऋषभ राशि यानी कि आपके जन्म का कारण ऋषभ राशि से रिलेटेड जो कर्माज हैं उनके कारण आपका जन्म ऋषभ okay. राशि से रिलेटेड आपका जन्म हुआ ऋषभ राशि से रिलेटेड कर्मास के कारण तो आपका आपकी फैमिली के साथ जो रिलेशन होगा जो आपकी अक्यूमलेटेड वेल्थ होगी जो आपकी स्पीच होगी उस पर मिथुन राशि से रिलेटेड कर्मास का वेटेज रहेगा क्योंकि दूसरे भाव में तीन नंबर आ गया okay. ऐसे ही चार पांच छ सात आठ आठ यहाँ पे देखिए आप ये गे? सेवेंथ हाउस है सेवेंथ हाउस ये फर्स्ट हाउस ये सेकेंड हाउस ये थर्ड गे? ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स और ये सेवेंथ गे? सेवेंथ हाउस में कौन सा नंबर है आठ वृश्चिक राशि सेवेंथ हाउस किसका होता है वाइफ का यानी कि आपका मैरिज से रिलेटेड जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस होंगे उसमें वृश्चिक राशि से रिलेटेड कर्माज डोमिनेट करेंगे ऐसे okay. ही नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व हर भाव में एक एक नंबर है जो राशि को बता रहा है और वो पर्टिकुलर राशि उस भाव में डोमिनेट करेगी और उस भाव से रिलेटेड जितने भी आपके लाइफ के कर्माज होंगे उस पर उस राशि का प्रभाव जैसे कि okay, ग्यारह ग्यारहवा भाव यहां पे ये ग्यारहवा भाव जो है ये आपकी इनकम को दिखाता है आपकी वेल्थ को लिक्विड कैश ये सेकेंड हाउस इज अक्यूमुलेटेड जमा हुआ धन इलेवेंथ हाउस इज लिक्विड जो आपके पास आता जा रहा है तो अगर लिक्विड कैश देखना है गेन्स देखने हैं ये सारी चीजें आपको देखनी है बड़े भाई को देखना है तो वहां पे मीन राशि से रिलेटेड कर्मास डोमिनेट कर रहे हैं तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे इनकम से रिलेटेड वो मीन राशि के द्वारा डोमिनेटेड है डियर नीना जी तो सर इसमें जो राशि आपने टोटल ट्वेल्व बताया था इसको हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल पढ़ेंगे राइट हाँ सारी चीजें पढ़ेंगे और ये जो आप सॉफ्टवेयर अभी ये हम लोगों को कब मिलेगा सब मिल जाएगा सार, सारा एक ही दिन में लेना चाहते हो क्या नहीं 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 ऐसी आराम आराम स्टेप बाय हाँ कोई दिक्कत नहीं ये फ्री सॉफ्टवेयर है ना इसके ये chargeable नहीं है ये ऑनलाइन आप जी? डाउनलोड कर सकते हो मैं बता द नीना जी फर्स्ट तो फर्स्ट वाले पे आप थोड़ा और फोकस डाल सकते हैं फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट को आपने लगन बोला ना लग्न हिंदी में बोलते हैं और एसेंडेंट इंग्लिश में ओके उस हाउस को जी ओके ओके थैंक यू सर नीना जी अनम्यूट कर दिया मैंने जी आ जी नमस्कार सर नमस्कार। आ, सर मुझे ये पूछना था जैसे आप दूसरे वाले घर से हम नेक्स्ट में जाते तो ये आपने राउंड कैसे घूमे कैसे सेवंथ पे पे किस उस पे बेस पे गए हम जैसे आपने इनका बताया काउंटर क्लॉक वाइज आपको घूमना जैसे ये फर्स्ट हाउस है आपका ठीक है अब यहां से अगर मैं क्लॉक वाइज जाऊंगा तो ये आ जाएगा लेकिन हमें क्लॉक वाइज नहीं जाना काउंटर क्लॉक वाइज जाना है तो ये फर्स्ट है तो ये सेकंड फिर ये थर्ड

डेट ऑफ बर्थ है सर फोर्टी जनवरी टाइम थर्टी मॉर्निंग टाइम सर किसी को नहीं कंफर्म होता है उसके बिना भी हम चेक कर भी सकते हैं बहुत सारे टेक्निक्स हैं नाड़ी में उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि हम कितने बजे पैदा हुए थे या निकाला जा सकता है टाइम उनके लाइफ के इवेंट्स को मैप करके निकाल सकते हैं टेन ठीक थर्टी एम करेक्ट हाँ जी डेली में हुआ है सर अब देखिए बदल गया अब आपका जो लग्न है आपका जो असेंडेंट है जो फर्स्ट हाउस है वहां ग्यारहवे नंबर की राशि उदय हो रही है जो अच्छा, कि कुंभ कुंभ राशि तो आपका लग्न क्या हुआ कुंभ लग्न ठीक है मतलब वो ईस्ट वाला जो आप डायरेक्शन कह रहे हो वो यहाँ आपका जो जन्म है उसमें कुंभ राशि से रिलेटेड जो कर्माज है वो डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ईस्ट में कुंभ राशि राइज हो रही थी और अच्छा। क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास ऐसे रहे हैं कि आपको इस लाइफ में कुंभ राशि से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस लेने हैं इसलिए आपका जन्म इस समय पे हुआ अच्छा है ना क्योंकि अगर मैं जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं पंद्रह मिनट टाइम बढ़ा देता हूँ आपका तो आपका देखिए ये पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ ठीक है करके कर देखते अभी अच्छा। साढ़े दस बजे वैसे तो अगर मैं आपका एक मिनट भी समय बढ़ा दूंगा ना तो आपके वर्गा वर्गाचार्ज बदल जाएंगे पर वो अभी का टॉपिक नहीं है है ना अच्छा। आप यहाँ पे लग्न देखिए मैं ये टेन थर्टी था, है मैं इसको इलेवन कर देता हूँ आपके जन्म को मैं ग्यारह बजे का कर देता हूँ बाकी सारी चीजें वही है देखिए बस मैंने सिर्फ आपका जन्म समय चेंज किया है ग्यारह बजे कर दिया तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है ये देखिए बदल गया बारहवीं राशि आ गई लग्न राशि चेंज हाँ जी पूरी लाइफ चेंज पहले साढ़े बजे एक्वेरियस साइन कुंभ राशि से रिलेटेड आपका कार्मिक वेटेज दिख रहा था अब 12 बजे 11 बजे मीन राशि से रिलेटेड आपका कार्मिक वेटेज हम्म तो ये कैसे डिसाइड गया। हो रहा है कि आपका जन्म कब होना चाहिए आपके पास के के अनुसार भगवान आपको ये लग्न देता है आपको ये समय देता है कि आपका इस जन्म में इस तिथि पर इतने बजे इस शहर में आपका जन्म होगा और उसके हिसाब से आपका होरोस्कोप मिलता है जिससे आपकी पूरी लाइफ गवर्न होती है ओके तो फिर सर कितना टाइम का हम डिफरेंस रख सकते हैं जिसमें कि चेंजेस ना हो जैसे कहीं बोलते एक, एक, एक हैं तो चेंज हो जाएंगे अभी देखिए यहाँ पे ये ग्यारह बजे है मैं नीचे तो एक हायर डिवीजन यहाँ पे लगा देता हूँ लगा देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे अभी नीचे वाले चार्ट में आप देखिए आठ आठ नंबर है लग्न में अब मैं इसको कर देता हूं ग्यारह बज के एक मिनट मैंने एक मिनट कर दिया यहां ग्यारह बज के एक मिनट बाकी चेंज हो गया हाँ जी एक मिनट में बदल जाती है जिंदगी और इससे कम में भी बदल जाती है विद इन सेकेंड्स चेंज हो जाता है जैसे जैसे हायर डिविजन्स में जाते जाएंगे इसलिए जब भी चार्ट देखा जाता है तो ये सारे रेक्टिफिकेशंस करे जाते हैं किसी ने बोला कि मेरा जन्म साढ़े ग्यारह बजे हुआ है तो भाई साढ़े ग्यारह बजे ग्यारह बज उन्तीस मिनट ग्यारह बज इकतीस मिनट इन सब में बहुत डिफरेंस है हम्म हम्म एक एक मिनट से भी मतलब डिफरेंस आ जाता है बिल्कुल ओके चलिए नीलम जी ठीक है सर थैंक यू सो मच नमस्ते सर राधे राधे हाँ जी राधे राधे सर राधे राधे सर एक बस रिक्वेस्ट है छोटी सी क्योंकि मुझे ना स्क्रीन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सिखाते वक्त थोड़ा जूम कर देना इसको मैम यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा आप या तो बड़े स्क्रीन आप अगर मोबाइल से बैठे हुए हैं तो आपको अपने मोबाइल में एडजस्ट करना पड़ेगा ओके सर मेरे मोबाइल से हो जाएगा ऐसे इसमें जूम मीटिंग में आपको अपने एंड पे वो सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जूम करने ओके सर कोई बात नहीं ओके थैंक यू प्रिया जी जय श्री कृष्णा सर सर मेरा एक सवाल है जैसे कि आजकल मुहूर्त डिलीवरी बहुत पॉपुलर हो गई है कि एक पर्टिकुलर मुहूर्त निकाला जाता है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट की जाती है कि उस टाइम पे डिलीवरी की जाए तो सर क्या ये इससे पीछे के कर्म ठीक हो जाते हैं मतलब फालतू की बातें हैं मुहूर्त डिलीवरी जैसा कुछ भी नहीं होता है मुहूर्त कभी भी डिलीवरी का नहीं होता है ये सब अज्ञान की निशानी है जो ये लोग करते हैं हां जी सर बिल्कुल मुहूर्त होता है कंसीव करने ओके जब बच्चे को कंसीव कर करा जाता है उस समय का मुहूर्त निकाला जाता है कि कब आपको कंसीव करना है मुहूर्त के कोर्स में हमने वो मुहूर्त सिखाया भी था जिसे कहा जाता है गर्भाधान संस्कार वो एक संस्कार है जिससे डिलीवरी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता डिलीवरी के मुहूर्त को पॉसिबल ही नहीं अगर किसी ने डिलीवरी का मुहूर्त निकाला है और उस समय डिलीवरी हो गई है तो वो कोइंसिडेंस है बट डिलीवरी को प्लान नहीं करा जा सकता कंसेप्शन को प्लान करा जा सकता है जो कि हर किसी को करना चाहिए तभी जो संतान पैदा होती है उसे संतान का दर्जा मिलता है ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेकर एक प्रॉपर मुहूर्त निकाल के जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को कंसीव करते हैं जब उस बच्चे का जन्म होता है तो उसे संतान कहा जाता है अदरवाइज क्या होता है कि अगर गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ तो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो माता पिता की सेक्सुअल अर्जिस का एक प्रोडक्ट है बस वो संतान नहीं है क्योंकि वो स... उस 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 संतान के जन्म के पहले कोई संस्कार नहीं करा गया था कोई डिवाइन ब्लेसिंग नहीं थी तो माता पिता साथ में आए अपनी फिजिकल एलिए को सेटिस्फाई करने के लिए और उसके बाय प्रोडक्ट में एक बच्चा हो गया तो बच्चे में और संतान में बहुत अंतर हो संतान तभी कहलाएगी जब उसका गर्भाधान संस्कार किया गया गर्भाधान संस्कार मतलब कंसेप्शन को प्रॉपरली प्लान करा गया है मुहूर्त में किया गया है और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद लेकर करा गया अब वो एक डिवाइन चाइल्ड okay. अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने राशि और भाव को समझा है ना हमने देखा कि कैसे भाव जो है वो फिक्स्ड है भाव यानी कि हाउसेस हाउसेस फिक्स्ड है और वहां पे राशियों के नंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स हैं है तो यहाँ पे आप देखिए टेंथ हाउस में नौ नंबर की राशि है और उसमें सूर्य और बुध है एस यू यानी कि सन एम ई यानी कि मर्क्यूरी तो हम क्या बोलेंगे कि टेंथ हाउस में सूर्य और बुद्ध दोनों साथ में बैठे हुए हैं यानी कि टेंथ हाउस से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे प्रोफेशन और इत्यादि उसमें धनु राशि का गवर्नेंस है और साथ साथ सूर्य और बुद्ध का भी इंफ्लुएंस है क्योंकि वो ग्रह उस राशि में उस भाव में बैठे हुए हैं तो टेंथ हाउस प्रोफेशन से रिलेटेड होता है तो उस व्यक्ति इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है ये जिनका विचार है इनका प्रोफेशन धनु राशि से गवर्न हो रहा है और उस पर सूर्य और बुद्ध का प्रभाव है अब ये प्रभाव अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है आगे देखेंगे पर अभी हमें पढ़ना तो आए है ना सेवेंथ हाउस मैरिज का होता है और यहां पे ऐसे लिखा हुआ यानी कि सैटन बैठा हुआ है यानी कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय ईस्ट डायरेक्शन में मीन राशि उदय हो रही थी और इनका जो मैरिज का भाव है क्योंकि जन्म में मीन राशि आ गई इसलिए ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छठी राशि इनके सेवेंथ हाउस में गई जो कि मैरिज का भाव है और इनके जन्म के समय में छठी राशि में यानी कि कन्या राशि में शनि ग्रह गोचर कर रहा था इसलिए यहां पे ऐसे आ गया इनके नाइन्थ हाउस में वृश्चिक राशि में उस समय चंद्रमा गोचर कर रहा था इसलिए इनके नाइन्थ हाउस में मून आ गया तो ये प्लैनेट्स कैसे आए जब इनका जन्म हुआ तो उस पर्टिकुलर समय पे जिस भी राशि में जो भी प्लैनेट गोचर कर रहा था वो इनका हाउस गवर्न करेगा जैसे अगर मैं यहां पे चेंज कर दू मैं यहां पे जुलाई कर देता हूं एक रैंडम और डेट मैं यहां पे कर देता हूं सिक्सटी फाइव तो आप देखिए इस समय जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा तो ईस्ट डायरेक्शन में छह नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि उदय हो रही थी और उस समय कन्या राशि में जोडिय में मंगल ग्रह गोचर कर रहा था तो मंगल यहां पे फर्स्ट हाउस में आ गया उस समय मिथुन राशि में तीन नंबर की राशि में सूर्य गोचर कर रहा था तो आप देखिए यहां पर टेंथ हाउस में सूर्य आ गया तीन नंबर की राशि में तो आपके जन्म के समय पे जिस भी राशि में जो भी प्लैनेट गोचर कर रहा होगा वो एज इट इज आपके होरोस्कोप में आ जाएगा और वो प्लेनेट अपना इंफ्लुएंस दिखाएगा उस एरिया पर जिस भाव में वो बैठा हुआ जैसे यहां पे सूर्य जो है टेंथ हाउस में बैठा है तो टेंथ हाउस से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे प्रोफेशन और आपका सोशल स्टेटस सारी चीजें सूर्य के द्वारा गवर्न होंगी फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है तो बच्चों से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे वो चंद्रमा के द्वारा गवर्न होंगे क्यों क्योंकि चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है जब आपका जन्म हुआ तो चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा था और मकर राशि आपके फिफ्थ भाव में आ गई तो चंद्रमा आपके फिफ्थ भाव में आ गया गोचर का मतलब ट्रांजिट 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 एक ग्रह किसी ना किसी राशि में होता है और वो मूव कर रहा होता है जोडीएक में तो जिस भी राशि में वो मूव कर रहा है उस समय उसे हम कहते हैं गोचर ये क्लियर हुआ सभी को अब जैसे अगर हमें बोलना है कि भाई चंद्रमा इनका कहां पर है जिस व्यक्ति का भी यह चार्ट है तो हम क्या बोलेंगे चंद्रमा पांचवे भाव में है और दसवीं राशि में है यह पांचवा भाव है एक दो तीन चार पांच और पांचवे भाव में कौन सी राशि है इस व्यक्ति की दसवीं राशि मकर राशि तो चंद्रमा पांचवे भाव में है और मकर राशि के अंदर है इस व्यक्ति के लिए यानी कि इस व्यक्ति का पांचवे भाव से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं पांचवे भाव से रिलेटेड कौन कौन से मैटर होते हैं आपके ऑफस्प्रिंग आपके बच्चे आपकी एजुकेशन ये सारी चीजें आपका फॉरेन ट्रेवल ये सारी चीजें पांचवे हाउस से देखी जाती हैं। तो इन सब एरिया से रिलेटेड जो गवर्नेंस रहेगा आपकी लाइफ पे वो मकर राशि का रहेगा और साथ साथ चंद्रमा का रहेगा क्लियर सभी को कोई क्वेश्चन राकेश जी सर एक हाउस में दो राशि हो सकता है क्या एक हाउस में एक ही राशि होगा एक हाउस में दो ग्रह हो सकते हैं दो तो ग्रह हो सकते हैं टोटल आप कितना ग्रह मानते हैं नौ मानते नहीं है सर है नो ही है ओके उसमें राहु केतु और सन और मुन चार मिला के राइट सारी चीजें मिलाते ओके, ओके सर सर सर, थैंक यू, आशुतोष जी, uh, sir, रदे रदे, सर। जी राधे 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 राधे, ये एक तो लग्न कुंडली होता सर एक नवमांश कुंडली दोनों में क्या अंतर है नवमांश कुंडली आपके विवाह के बाद एक्टिवेट होती है वो भी हमारा सिलेबस में है नवांश का एक अलग से टॉपिक होगा तो बहुत मैंने अभी बताया नवांश जब हम कवर करेंगे तो नवांश के बारे में डिटेल आपको बताएंगे अभी आपको सिर्फ लग्न कुंडली पे फोकस करना अच्छा। और ये जो सर ग्रह है तो ग्रह जैसे मान लीजिए हमारी कुंडली बनी तो ग्रह जो भी उसमें भाव में बैठ हमेशा एक ही भाव रहेगा या गोचर करता रहेगा नहीं ग्रह आपका जन्म जिस समय पे हुआ है वो उस समय जो ग्रह जिस राशि में था वो आपके लिए प्रॉमिस बन गया है पूरी जिंदगी का अच्छा, आपकी उसी पर, में रहे पर, रहे अच्छा। पर प्रभाव रहेगा उसके बाद ग्रह अच्छा। तो आगे बढ़ जाएगा अपना लेकिन आपकी जिंदगी पे प्रभाव हाँ। उसी समय का रहेगा जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय जो ग्रह जहां पर है सरभी थैंक यू गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर एक चीज पूछना था, जैसे सपोज आपने जो राशि और भाव का बोला तो सपोज कोई भाव में ग्रह है ही नहीं तो मतलब उस समय नो प्लेनेट ड्यूरिंग दैट टाइम यस उस राशि में उस समय कोई भी ट्रांजिट नहीं कर रहा था तो सर ये कैसे फिर मतलब अपने डी करेंगे जैसे हाँ, वो सीखे करें करेंगे सारी चीजें सीखेंगे अच्छा कोई ना कोई ग्रह तो एम होगा क्योंकि बारह हैं तो अच्छा। दो है, है फिर उसमें उस राशि का लॉर्ड लिया जाता है सब करेंगे स्टेप स्टेप बाय आगे अच्छा ओके okay, और जैसे सपोज uh, मेरे असेंडेंट में जैसे मेरे को आई डोंट टू रीड तो uh, मतलब हो गया और फर्स्ट में लिखा हुआ सिर्फ लिख... ये देखना नहीं, है कि वो समझ AS... में नहीं आ रहा है हम्म आपको सिर्फ एस देखना है और सन मून मार्स मर्क्यूरी जुपिटर सर एस में ही लिखा हुआ है वो पर जो मैं मैं आज कनेशा से निकाली उसमें एस में लिखा हुआ है पता नहीं बताइए अपना डेट ऑफ थर्स सेवेंथ नवंबर जी नाइंटीन नाइंटी सिक्स टाइम इलेवेन थर्टी ए एम प्लेस कोलकाता तो आपका जो लग्न है वो है टेन नंबर का विच इज कैप्रिकोन मकर 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 लगन करेक्ट और यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है नेपटक्यून और यूरानस को नहीं लिया जाता ज्योतिष के अंदर क्यों नहीं लिया जाता क्योंकि आपकी आइज उनको देख नहीं सकती और जो चीज ह्यूमन विजन के बाहर है उसका ह्यूमंस के ऊपर इंपैक्ट बहुत कम होता है युरेनस नेपच्यून का प्रभाव पड़ता है बट सिर्फ 10% क्योंकि वो आपके विजन से बाहर तो आपका फर्स्ट हाउस जो है आपका जो लग्न है आपका जो एसेंडेंट है वो मकर लग्न है और वो एम्प्टी है वो एम्प्टी है वो उसमें युरेनस नेपच्यून दिखा रहा था सर तो बैनस नेपट हो सकता है बट उसका आपकी जिंदगी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सर ये तो ये लगने से कैन वी से कि राशि को मेरे को मकर राशि से आ... आपके रीजन का बर्थ मकर राशि। ओके रीजन ऑफ बर्थ इज मकर राशि ओके सर मोहन जी जी नमस्कार देखो इसमें जी मुझे भी बता कुछ मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर यहाँ पे अभी हम करने नहीं बैठे हुए हैं आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है आप तो आप पूछिए तो उस वक्त मुझे अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं जो आप बता रहे हो समझाऊंग हाँ। जो बता रहे हैं उसमें कोई डाउट है आपको नहीं उसमें कोई डाउट उपेंद्र जी नमस्ते सर नमस्ते आ, सर अभी हम लोग को राशि से वो घर आता है ना वहां से स्टार्ट करना है ना सर घर गिनने का जी जहां पे आ, भी ए एस लिखा हुआ है वहां से आप घर गिनना चालू करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ पे ए एस लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में ओके। यहां, तो यहां से हम घर गिनना चालू करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये फर्स्ट हाउस ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सेवेंथ ये एट्थ ये नाइन्थ ये टेंथ ये इलेवेंथ ये ट्वेल्थ राशि कौन सा भी हो उनका फर्स्ट घर से से आता है उधर हम लोग राशि कोई भी हो सकती है घर फिक्स रहेंगे घर जो है ना वही फर्स्ट रहेगा हाँ फर्स्ट यही घर रहेगा ये वाला जहाँ पे एस लिखा है फिर ये वाला हमेशा सेकेंड ही हाउस रहेगा ये हमेशा थर्ड हाउस रहेगा ये हमेशा फोर्थ रहेगा ये हमेशा फिफ्थ रहेगा राशि यहाँ पे कोई भी हो सकती है ठीक है ठीक है सर और ये जो नोट्स हम लिखना है सर अब आप तो ये पीडीएफ देते हैं सर इस पर वो आपको पीडीएफ अभी हम दो तीन दिन में बेसिक वाला पीडीएफ दे, दे देंगे नोट्स भी बनाइएगा और बेसिक का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा ठीक है आशा जी सर इसमें जो ग्रह है वो किसी भी एक घर में जैसे आ गए हैं तो उसके बाद किसी और दूसरे घर में रिपीट नहीं होंगे नहीं जन्म के, के, के समय में, में, आपके आपके में जो ग्रह जिस भाव और राशि में है आपकी जिंदगी में उसी का प्रभाव रहेगा ओके और फिर जैसे जब महादशाएं आती हैं तो उसका एक और एडिशन हो जाता है मैडम जब दशा का टॉपिक आएगा तब पूछिएगा अभी तो हम बहुत ही ठीक है बेसिक पर है ना ठीक है ओके okay, तो आज इतना ही रखते हैं कल सर। हम कंटिन्यू करेंगे एंड कल हम पढ़ेंगे कि राशि के सिग्निफिकेशन क्या एक राशि हमें क्या क्या चीजें बताती है मेष राशि क्या बताती है वृषभ राशि क्या बताती है मिथुन राशि क्या बताती है उसके बारे में प्रिडिक्शन करना हम सीखेंगे मंडे को होगा ना आपको वैसे मंडे टू फ्राइडे एक क्लास में बट क्योंकि आज हमने चालू करा है तो एक क्लास कल सैटरडे को कर लेंगे उसके बाद फिर मंडे को करेंगे ठीक। आज का कोई होमवर्क नहीं है होमवर्क कल से मिलेगा you चलिए क्लास को क्लोज करेंगे तो मिनट वेट कर लेते हैं संतोष जी कोई क्वेश्चन है क्या आपका जी सर यही पूछना था कि जैसे क्लास जो है ना आज फर्स्ट डे हो गया सेकेंड डे कुछ भी तो नेक्स्ट क्लास के लिए तो पेमेंट करना पड़ेगा तो सर अभी, करें, अभी करना है क्या जी अभी कर लेंगे तो बहुत बेटर है क्योंकि भले ही कुछ में करें क्योंकि सैलरी तो सर फर्स्ट वीक में आएगी बट स्टार्टिंग के लिए अभी कुछ कर देते कुछ भी मतलब कि एक आपका एक पेमेंट तो कोई भी अमाउंट हो वो पुष्य नक्षत्र में आ गया मतलब आपका एनरोलमेंट पुष्य सर, सर, इसी के लिए मैंने किया था कि वो पेमेंट लिंक या नंबर किस में करना है अभी सर इन्फॉर्म कर देंगे ओके सर केसी जोशी जी नमस्कार सर सर बस मैं इसके बारे में देख रहा था कि लगन को आपने बताया आज और उनके भाव के बारे में बताया कि के जो हमारे ग्रह बने हुए हैं उनके हिसाब से भाव बदलते रहते हैं जी सही थैंक यू किसी का क्वेश्चन आया है सर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स कैसे करनी है जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा अष्टक वर्ग क्या होता है मनीषा जी ऐसे ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हैं अष्टक वर्ग उसके बाद फिर शडबल ठीक है पंचदा मैत्री सारी चीजें हैं हम फर्स्ट क्लास में नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं ना और अष्टक वर्ग एक एडवांस टॉपिक है अभी आपके लिए वो नहीं है ओके okay, और मैसेज सर इन्फॉर्मेटिव क्लास थैंक यू सो मच हाँ जी चलिए तो उम्मीद करते हैं कि सेशन एक मिनट बढ़िया रहा सर मैसेज आया है सर पूरे पैसे आज नहीं दे अरे आप पुष्य नक्षत्र में आपको कोई भी अमाउंट आप ट्रांसफर कर दो आपका एनरोलमेंट पुष्य में ही कराएगा पूरे पैसे आज आपको नहीं देने ऐसा नहीं है है ठीक तो अभी आप छोटा सा अमाउंट डालकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो क्योंकि एक अच्छा मुहूर्त एक अच्छा योग अभी बना हुआ है जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी छोटा सा अमाउंट डालकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पहले फोन कर रहे क्योंकि सबके लिए एनरोलमेंट ओपन नहीं है हाँ नहीं नहीं एनरोलमेंट करा लें नहीं होगा तो हाथ जोड़ के पैसे वापसी कर देंगे क्या होता है ना अभी अब मैं थोड़ा बिजी था किसी काम में अब यह बड़ा मुश्किल है इस वक्त मुझे देखना कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है आप अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिएगा जिसका नहीं होगा हाथ जोड़ के सुबह कल आपका पैसा वापसी हो जाएगा अगर आप में से कोई क्योंकि वैसे लगता नहीं है सक्षम क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर आज कोई बैठा है मतलब मेरे ऐसे भाव आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग एलिजिबल ही होंगे ये भी बात सही है क्योंकि इतने शुभ मुहूर्त में अगर वैसे हमारा देखिए वेबिनार ना 200 250 300 लोगों तक का जाता है लेकिन अगर आज सौ लोगों एक लोग ज्वाइन किए हैं हमारी क्लास में तो इसका मतलब है कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम मुहूर्त चुनते हैं लेकिन कभी कभी मुहूर्त हमें चुनता है तो आज जितने लोग यहां बैठे हैं वेबिनार में और अभी तक बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं या डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है ये साइंस सीखने के लिए तो मैं कौन होता हूं जज करने वाला ठीक है ये तो भी बात सही अभी भी किसी का भी रजिस्ट्रेशन आएगा अभी आज के मुहूर्त में किसी का भी रजिस्ट्रेशन आएगा तो मैं मना नहीं करूंगा इरेस्पेक्टिव वो वो लायक है नहीं है हमारी हेड का हम सिखाएंगे बस बात कदम अभी आज के मूर्त में जिसका भी रजिस्ट्रेशन आएगा उसका रजिस्ट्रेशन है ये पक्का है ना कभी कभी ना ऊपर वाले की सुन लेनी चाहिए मेरे ऐसे मन में ऐसे भाव आए अभी कि शुभ मुहूर्त में अगर कोई क्लास अटेंड की है किसी ने तो यस वो एलिजिबल पात्र है वो अभी सीखना चाहे तो मोस्ट वेलकम है वो आगे कोर्स में सीखना चाहे तो भी मोस्ट वेलकम यस ठीक है तो आप छोटा सा अमाउंट डालकर रजिस्ट्रिंग करा दीजिएगा तो कल के बात कराएंगे तो फिर हम जज करेंगे कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है अगर सुबह कराते हैं तो फिर मैं एलिजिबिलिटी देख लूंगा अभी किसी की पेमेंट आ जाएगी अभी बैठे हैं आप यस यू आर इन ओके और वैसे तो सबके बाद मेरा नंबर है ही है लेकिन फिर भी एक दोबारा से एक बार सबको नंबर सेंड कर देता हूँ पेटीएम गूगल पे फोन पे आप इस नंबर पर एक छोटा सा अमाउंट डालकर रजिस्ट्रेशन कर, कर दीजिए बाकी फिर भगवान जानेंगे फिर उसको मैं छोड़ देंगे वो देखेगा ठीक है चलिए मैंने अपना नंबर भेज दिया पेटीएम गूगल पे फोन पे यूपीआई सब इसी नंबर पर है आपने जिसने भी पेमेंट करनी है अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट कर मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा अपना नाम लिखकर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अच्छा चलिए फिर कल मिलते हैं कल मिलते हैं फिर क्लास में फिर कंटिन्यू तो सभी तो अभी किस ने पूछा है कि सर कितना अमाउंट कर रहे भैया मैंने जब बोल दिया यार आप इकतीस से करो इक्यावन से करो जो मर्जी कर दो जब उनके ठीक है और ये ब्लैसिंग ना बार बार नहीं मिलती है और ना ये ब्लैसिंग किसी और प्लेटफॉर्म पर मिलेगी वो कहता है पहले पूरा पैसा रखो भाई तब क्लास में ज्वाइन कराएंगे ठीक है और किसी के यहाँ पैसा पहुंच जाए तो पैसा वापसी नहीं करता हम तो हाथ जोड़ के पैसा वापसी करते हैं भैया नहीं पढ़ना ये ले भैया अपना पैसा ले जाए पढ़ाने के पैसे लेते हैं चलिए ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड इतने शुभ मुहूर्त में आज हमने शुरू किया है तो हमें भी एक ना एक अंदर से खुशी मिलती है हमने एक अच्छे मुहूर्त पे एक अच्छी चीज शुरू की है और जितना आपको पढ़कर मजा नहीं आएगा उतना हमें पढ़ाकर मजा आता है ज्योतिष ठीक है तो ऑल आर वेलकम जो लोग भी सीरियस लोग हैं आइए पढ़िए है। और जर्नी को आगे बढ़ाएंगे बस और क्या चलिए मैं सबको अला कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए कल मिलते हैं फिर सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण